आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल कैशलेस मास्टर में मैं हूँ शुभम। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर कि मैंने पेटीएम वापस से ज्वाइन कर ली है, यानी मैं एक पेटीएम का एजेंट वापस से बन चुका हूँ। जो मर्चेंट हेल्पलाइन में हूँ, मैं मर्चेंट बनाता हूँ मैं पर लोगों का, तो मैं आपको भी मर्चेंट बनाना तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर आप रेलवे टिकट और ये सब चीज़ों की बुकिंग जब शुरू हो जाएगी 1 मंथ बाद, उस पर कुछ डिस्काउंट चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और सारी सर्विस आपको फ़ोन पर बताऊँगा मैं बात करके। सो आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप का लिंक दिख जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप मेरे से बात कर लीजिए कि भाई आपको मर्चेंट बनवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको मर्चेंट के बेनिफिट क्या रहेंगे सो भी ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो आप एजेंट द्वारा और आप खुद बनाते हैं तो उस मर्चेंट में क्या बेनिफिट होता है और क्या नहीं होता है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आए हैं तो, और अगर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू या कहाँ से मिला है ये वीडियो आपको, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने मर्चेंट अकाउंट में चलना होगा। सो फ्रेंड्स, ये है पेटीएम फॉर बिजनेस, जो मर्चेंट बोला जाता है पेटीएम का। सो यहाँ पर आपको इसमें कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, 5 ऐसी चीज़ें। सो आपको जो कैशबैक ऑफ़र है वो यहाँ पे शो करेगा। आप कैशबैक ऑफ़र इसमें क्या होता है, जो स्कीम के हिसाब से मुताबिक, जो कंपनी के मुताबिक जो ऐसा है कि आपको जब मैं अकाउंट बना कर दूंगा आपको, तो 5 डेज आपको कोई भी एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन लेना पड़ेगा वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। फ्रेंड्स, ये क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, क्यूआर कोड मैं आपको फिजिकली चाहिए, अगर आप अहमदाबाद में हो तो आप मेरे से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये चीज़ में ऑफ़र आपको तभी देखने को मिलेगा आप जब 5 ट्रांजेक्शन इस मंथ में ले लेते हो। देखिए मैंने कितने सारे कैशबैक यहाँ पे अर्न किया हुआ है पेटीएम की तरफ से, देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक, कई ऑफ़र एक्सपायर भी हो चुके हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे आती है कि जब मैं बनाऊँगा आप मर्चेंट और आप खुद बनाएंगे, तो आपके खुद से बनाने से जो ये आप जो सेटलमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं ट्रांसफर टू बैंक, वो नहीं देखने को मिलेगा। वो अगले दिन सुबह 6 बजे होता है, इसमें सेटलमेंट का टाइम 3 टाइम होता है, 12 बजे और शाम को 5 बजे होता है, और एक सुबह 6 बजे होता है फ्रेंड्स। तो ये सेटलमेंट टाइम होती है कुछ कंपनी के मुताबिक। आप इसमें मतलब इंस्टेंट ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है और आप यहाँ पे मैन्युअली ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं बना के देता हूँ तो ट्रांसफर टू बैंक करने का आएगा ऑप्शन, आप खुद बनाते हो तो नहीं आएगा। अगर आप कोई जन ऐसा है, बोलते हैं मुझे कमेंट में कि भाई अगर मैं बना सकता हूँ तो आप मुझे एक बार जरूर से जरूर नीचे बताइएगा मुझे। फिर तीसरा अपडेट यहाँ पे ये आता है आपको, जो कि मैं बता दूँ, ये जो ऑफ़र का मैंने आपको बताया था, अगर मैं बनाता हूँ तो इंस्टेंट ऑफ़र आपको 5 ट्रांजेक्शन लेने के बाद ऑफ़र आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी सर्वर एरर की वजह से नहीं भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अब दूसरी बात, मैं बना के दूंगा तो आप क्यूआर कोड आप जो है आप खुद बनाते हैं तो उसमें परचेज करना पड़ता है आपको। मैं जो बनाऊंगा उसमें आपको क्यूआर कोड परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो। अब दूसरी बात, यहाँ पर कंपनी का जो है इस आपको एक सेटिंग कर लेना है। चौथी बात ये है मेरी तरफ से कि आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप जो ये देख रहे हैं, 1 डे, 2 डे और 3 डे, ये चीज़ आपको 3 डे कर देना है। ये क्यों करना चाहिए आपको मैं बता दूँ, आप कई बार आप ट्रांसफ़र करने का पेमेंट भूल जाते हैं या फिर आपका 50 रुपीज़ से कम अमाउंट होगा, तो आपको ये चीज़ करना है ज़रूरी है फ्रेंड्स। 1 टाइम करोगे तो सुबह 5 बजे आपको पेमेंट आएगा, और 2 डे करोगे तो सुबह 5 बजे और शाम को 4 बजे आएगा, और 3 डे कर देंगे आप तो यहाँ पर आपको सुबह 5 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम को 6 बजे आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा पेमेंट ऑटोमेटिकली। सो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब अगर आपको 5वां चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको अगर खुद का पेमेंट खुद इंस्टेंट मतलब ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे 50 रुपीज़ हो जाए, आप वहाँ से ट्रांसफ़र मान लीजिए। देखिए यहाँ पे अब डेली आप इसमें जो है मतलब मैक्सिमम आप 2 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका लिमिट क्या है मैं लिमिट भी बता देता हूँ, यहाँ मिनिमम 50 रुपीज़ हो जाए तो आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए फ्रेंड्स। सो अब यहाँ पर आपको ऊपर इधर आना है, आपको आपका जो यहाँ पर कई बार लोगों को ऐप यूज़र हो जाता है पेटीएम के मुताबिक, ऐप यूज़र वो होते हैं जो क्रेडिट कार्ड जो ज़्यादातर ऐड मनी करते हैं अपने पेटीएम में। अगर सपोज़ आपने 1 रुपये भी ऐड कर लिया, कंपनी के मुताबिक रूल के खिलाफ होता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐड करना, हालांकि आप लोगों को ये बात पता ना हो तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। सो यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि आप अभी जो ट्रांजेक्शन लिमिट जो है मर्चेंट के लिए कंपनी ने ऐसा कर दिया है, पहले था 1 लाख रुपीज़। आप जिन लोगों का मर्चेंट 1 मार्च से पहले बना है, वो लोगों का ऐसा नियम है कि आप 1 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकते हो वॉलेट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर आप कोई भी पोस्टपेड हो जाए, अदर मतलब पेमेंट मोड है जो बैंक को और UPI को छोड़ करके। सो ये चीज़ था यहाँ पे। अब जो मुताबिक इसके मुताबिक अभी जो करंट 1 मार्च के बाद जो बनाई गई है उसके मुताबिक ऐसा हो गया है, यहाँ पर आप जो है 20,000 ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो पर मंथ। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड पे 1.7% चार्ज प्लस GST देना पड़ेगा, यानी जो कि 2% के बराबर होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ मैं आपको, आप कंपनी में अभी जो इस समय जो डेबिट कार्ड का होगा, डेबिट कार्ड में आप जो 1,000 से लेकर के 10,000 तक का होगा उसमें 0.1%
सॉरी 0.4% रहेगा और उसके डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पे ही, और आपका 0.7% 20,000 के ऊपर के अमाउंट पे लगेगा आपको चार्ज। तो ये कुछ थी इस कंपनी के मुताबिक जो थी ट्रांजेक्शन का लिमिट और ये सब चीज़ें। सो मैंने आपको बता दिया UPI पेमेंट अनलिमिटेड है विदाउट एनी 0% चार्जेस है। आप यहाँ पर ये सब यहाँ से आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। दूसरी बात, आपको यहाँ जो अपना ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो अगर पास्ट पेमेंट देखना हो तो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इस मंथ कितना ट्रांजेक्शन किया है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं 60,050 रुपये का मैंने किया, सारे UPI पेमेंट ही किए हैं मैंने फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। इसका पार्ट टू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब सॉरी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पार्ट टू भी बनाओ, इसका पूरी पूरी जानकारी दूँ मैं। सो एक बार जरूर से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर कैशलेस चीज़ों के बारे में मैं आप जानकारी देता रहता हूँ फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और कोरोना से बचते रहिए फ्रेंड्स। बाय।